हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक मज़ेदार रेसिपी। बहुत दिनों बाद मैं आज बनाने वाली हूँ बंगाली फिश भापा, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। आज मैं बनाने वाली हूँ कतला फिश भापा, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बना के दिखाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। ये फिश भापा बनाने के लिए मैंने बाज़ार से 1 किलो फ़िश लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया फ़िश था, बड़ा फ़िश था। मैंने काट कर 1 किलो लेकर आई हूँ, छोटे छोटे पीस पीस करके फिश भापा बनाने के लिए। सबसे पहले फ़िश अच्छी तरह से ठंडे पानी से साफ़ करके धो के आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फ़िश कितनी अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिए हैं। इसमें से आधा फ़िश मैं फ्राई करूँगी और आधा फिर से मैं भापा बनाऊँगी। तो एक बोल में आधा फ़िश लेके आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए फिश भापा बनाने के लिए मैंने आधा फिश ले लिए हैं। इसमें भी सारे मसाला दे देंगे। इसमें दे देंगे स्वाद अनुसार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच दे दिए हैं, थोड़ी सी सरसों का पेस्ट मैंने बना के रख दिए थे, वाइट सरसों का वो दे दिए हैं। इसमें दे देंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, छोटे इलायची, बड़ा इलायची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सारे मसाला दे दूँगी। सारे मसाला दे दिए हैं। इसमें भी सरसों का तेल देखे एक चम्मच से मिक्स कर लेना है। किसी भी फिश आप लोग इस तरह से सारे मसाला देखे मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही सिंपल और कम मसाला से और कम टाइम में फिश भापा बना सकती है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को ये पसंद है फिश भापा। देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसी बोल में बनाएंगे तो इस सारे मसाला इसमें दे दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले के साथ फिश मिक्स कर लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी और दरदरा हो चुकी है। देखिए मसाले के साथ मैंने फिश मिक्स कर लिए हैं। इसमें अभी सरसों का तेल दे देंगे। फिश भापा के लिए थोड़ी सी तेल ज़्यादा लगती है। आप लोग सरसों का तेल से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी निकलती है इसमें से। इसमें भी सरसों का तेल दे देंगे और 2-3 हरी मिर्च दे देंगे। देखिए तेल दे दिए हैं, इसमें भी हरी मिर्च दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने सेट कर लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर भी अभी से दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फिश स्टीम कर लेते हैं। मैं इस कढ़ाई में बनाएंगे, आप लोग कुकर में भी बना सकते हैं। देखिए फिश भापा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी दे दी है। इसमें छोटी सी एक स्टैंड बिठा देंगे और बोल भी अभी ढक्कन दे के हाई फ्लेम में 20 से 25 मिनट तक मैं इसमें स्टीम कर लेना है। देखिए वही ढक्कन दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ढक्कन हटा दिए है। देखिए लगभग हो चुकी है, और भी 10-15 मिनट बाद आप लोगों को दिखा दी। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली फिश भापा हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। अभी चूल्हे से निकल लेते हैं और थोड़ी सी ठंडा होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी सुपर टेस्टी फिश भापा, जो मैंने कितनी आसानी से बना के आप लोगों को दिखाया है। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है इसमें से। आप लोग किसी भी वक्त या मेहमान आने के बाद आप लोग बना सकती है, बहुत ही तारीफ़ करेंगे इस तरह से फिश भापा बनाएंगे तो। आप लोग इसे राइस के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आज मैं
फिश राइस के साथ अभी खाने वाले हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग कलर देख के बोल सकती है कितनी स्वादिष्ट बनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने राइस ले लिए है, दो पीस मैंने फिश फ्राई लिए हैं और दो पीस मैंने फिश भपा लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग जब तक ये नहीं बना के खाएंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कितनी स्वादिष्ट बनी है। आप लोग इस तरह से बना के ज़रूर खाए। देखिए अभी मैं खाने वाली हूँ। आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाएं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, आज की कतला फिश भपा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।